फ्रेंड्स, माय नेम इज़ एमी। यहाँ पर मैं आपको मैरिज से रिलेटेड कुछ सेंटेंस बताऊंगा जो कि मैरिज में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर दहेज की बात हो रही है लड़की वाले और लड़के वाले के बीच में। तो लड़के वाले लड़की के भाई से पैसे की मांग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि मूवीज सबटाइटल से अच्छा तरीका इंग्लिश सीखने कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मूवीज़ में उसी तरह सेंटेंस यूज़ किए जाते हैं जैसे कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लड़के वाले लड़की वाले के भाई से बोल रहे हैं कि हमें 2 करोड़ रुपए और एक फ्लैट चाहिए। तो बोल रहे हैं, क्या विशाल जानता है आप क्या कर रहे हैं? डज विशाल नो व्हाट यू आर डूइंग? डज विशाल नो व्हाट यू आर डूइंग? क्या विशाल जानता है आप क्या कर रहे हैं? इससे किसे फ़ायदा होगा? हमें तो नहीं, ये बोल रहे हैं, जो हम तुमसे मांग रहे हैं इससे किसे फ़ायदा होगा? लड़के भी होगा, हमें तो नहीं होगा। तो बोल रहे हैं, हु इज़ गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दिस? नॉट अस। हु इज़ गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दिस, यानी कि इससे किसे फ़ायदा होगा? नॉट अस, हमें तो नहीं, इसमें विशाल का ही हित है, यानी विशाल का ही फ़ायदा है। दिस इज़ इन विशाल्स बेस्ट इंटरेस्ट। दिस इज़ इन विशाल्स बेस्ट इंटरेस्ट, आप भी बोल सकते हैं इसमें विशाल का ही हित है। दिस इज़ इन विशाल्स बेस्ट इंटरेस्ट, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। यू आर स्टनिंग, यू आर स्टनिंग, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। वह मेरे साथ है, ही इज़ विद मी, ही इज़ विद मी, वह मेरे साथ है। यहाँ मिर्जापुर मूवीज़ के सेंटेंस है, ही इज़ विद मी, कोई नहीं हिलेगा, नो बडी मूव, कोई नहीं हिलेगा। हे भोसड़ी वाले चचा, हे डम्फक अंकल, हे डम्फक अंकल, हे भोसड़ी वाले चचा, म्यूज़िक बंद करो, स्टॉप द म्यूज़िक, स्टॉप द म्यूज़िक, म्यूज़िक बंद करो, अब बहुत हुआ। दैट्स इनफ नाउ, दैट्स इनफ नाउ, अब बहुत हुआ, थोड़ा आराम कर लो, रेस्ट अ बिट, रेस्ट अ बिट, थोड़ा आराम कर लो, नहीं तो मैं यकीन दिलाता हूँ आप रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। ये बोल रहे हैं, और आई विल मेक श्योर यू रेस्ट इन पीस, थोड़ा रेस्ट कर लो, नहीं तो आप रेस्ट इन पीस हो जाओगे, और आई विल मेक श्योर यू रेस्ट इन पीस। उसका हाथ पकड़ो, भाग, हिल मत। यहाँ पर थ्री डेयर्स मूवीज़ के सेंटेंस है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं रेंचो से, बोल रहे हैं, ग्रैब हर हैंड एंड रन, डोंट मूव, उसका हाथ पकड़ो, भाग। यहाँ पर करीना कपूर को शादी से भगा रहे हैं, बोल रहे हैं, ग्रैब हर हैंड, उसका हाथ पकड़ एंड रन, और भाग, डोंट मूव, हिल मत। आप यहाँ हैं, यू आर हियर, आप यहाँ हैं, तो फिर फेरों में कौन है? बोल रहे हैं, सो हु इज़ एट द एल्टर, हु इज़ एट द एल्टर, तो फिर फेरों में कौन है? तो बोल रहे हैं, फेरे, एल्टर, एल्टर, एक और फेरा और समझो हमारी शादी हो जाएगी। यहाँ पर दूल्हा बोल रहा है, अनदर कपल ऑफ राउंड्स एंड वी विल बी कंसिडर्ड मैरिड। अनदर कपल ऑफ राउंड्स, यानी कि एक और फेरा, एंड वी विल बी कंसिडर्ड मैरिड, और समझो हमारी शादी हो जाएगी। मैं पहले शादी शुदा हूँ, पिया चलो चलें। आई एम ऑलरेडी मैरिड, पिया लेट्स गो। आई एम ऑलरेडी मैरिड, पिया लेट्स गो। मैं पहले शादी शुदा हूँ, पिया चलो चलें। बहुत देर हो गई है, लोग मुझ पर हंसते हैं। करीना कपूर बोल रहे हैं, इट्स टू लेट, पीपल विल लॉफ एट मी, इट्स टू लेट, पीपल विल लॉफ एट मी, बहुत देर हो गई है, लोग मुझ पर हंसेंगे, इसलिए तुम आत्महत्या कर लोगी, सो यू विल कमिट सुसाइड। आप भी किसी से बोल सकते हैं, सो यू विल कमिट सुसाइड, यानी तुम्हारी इच्छा अगर पूरी नहीं हो रही है इसलिए तुम आत्महत्या कर लोगी। लोग थोड़ी बातें करेंगे फिर भूल जाएंगे। पीपल विल गॉसिप ब्रीफली देन फॉरगेट, पीपल विल गॉसिप ब्रीफली देन फॉरगेट, लोग थोड़ी बातें करेंगे फिर भूल जाएंगे। लेकिन तुम, बट यू, यहाँ पर ही बोल रहे हैं करीना कपूर से, लेकिन तुम्हें आखिरी सांस तक पछतावा होगा। बट यू विल रिग्रेट ऑन योर डेथ बेड, यानी तुम्हें आखिरी सांस तक पछतावा होगा कि कार दरवाजे पर थी, दैट द कार वॉज एट द गेट, रैंचो के पास ले जाने के लिए, रैंचो विद इन रीच, ये बोल रहे हैं, कार दरवाजे पर थी, रैंचो के पास ले जाने के लिए, दैट द कार वॉज एट द गेट, रैंचो विद इन रीच, लेकिन लोगों के डर से तुमने इस गधे से शादी की, बट इन फियर ऑफ पीपल यू मैरिड दिस एस, लेकिन तुम इसने दुनिया के डर से इस गधे से शादी की। हम कभी कभी भाग्यशाली होते हैं, ये बोल रहे हैं, वी आर समटाइम्स लकी, हम कभी कभी भाग्यशाली होते हैं, इसलिए ऐसे समय में ठोकर खाते हैं, सो स्टम्बल ऑन ए मोमेंट, इसलिए ऐसे समय में ठोकर खाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ सारे मैरिज से रिलेटेड सेंटेंस जो कि आपको मैरिज में ही यूज़ करने के लिए मिलेंगे। जैसे बोल रहे हैं, हम कभी कभी भाग्यशाली होते हैं इसलिए ऐसे समय में ठोकर खाते हैं, वी आर समटाइम्स लकी, सो स्टम्बल ऑन ए मोमेंट, जो सही है, दैट इज़ परफेक्ट, जो सही है, हम अपने चित्तौर में अदिति को भगवान मानते हैं। यहाँ पर पद्मावत मूवीज़ के कुछ सेंटेंस हैं, वी ट्रीट अवर गेस्ट्स लाइक गॉड इन चित्तौर, हम अपने चित्तौर में अदिति को भगवान की तरह मानते हैं। आप भी शादी में मेहमानों को बोल सकते हैं। नेक्स्ट है,
वरना तुरंत ही आपका सर कलम कर दिया होता। अदरवाइज यू वुड बी बीहेडेड राइट अवे, अदरवाइज यू वुड बी बीहेडेड राइट अवे, वरना तुरंत ही आपका सर कलम कर दिया होता। यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट जो क्या सेंटेंस आएगा, ये बोल रहे हैं मैं आज उत्साहित महसूस कर रहा हूँ, आई फील इलेटेड टूडे, आई फील इलेटेड टूडे, मैं आज उत्साहित महसूस कर रहा हूँ, आज मैं दुनिया में सबसे ऊंचाई पर महसूस करता हूँ, आई फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड टूडे, आई फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड टूडे, आज मैं दुनिया में सबसे ऊंचाई पर महसूस करता हूँ, मुझे माफ़ करिए लेकिन मैं आपको देखकर घबराया हुआ हूँ। यहाँ पर शाहिद कपूर बोल रहे हैं इनसे पार्डन मी, पार्डन मतलब माफ़ करिए भी होता है और दोबारा कहिए भी होता है, पार्डन मी मुझे माफ़ करिए, बट आई एम ओवर हेलमेट टू सी यू, ये बोल रहे हैं ओवर हेलमेट टू सी यू, मुझे माफ़ करिएगा, पार्डन मी लेकिन मैं आपको देखकर घबराए हुए व्याकुल हूँ, बट आई एम ओवर हेलमेट टू सी यू, महीनों के इंतजार के बाद आखिरकार हम मिल ही गए, ये बोल रहे हैं आफ्टर मंथ्स ऑफ वेटिंग वी फाइनली मीट, आफ्टर मंथ्स ऑफ वेटिंग वी फाइनली मीट, महीनों के इंतजार के बाद आखिरकार हम मिल ही गए, आफ्टर मंथ्स ऑफ वेटिंग वी फाइनली मीट, अब आप यहाँ हैं आप कैसा स्वागत पसंद करेंगे, ये बोल रहे हैं रणवीर सिंह से, नाउ दैट यू आर हीयर, नाउ दैट यू आर हीयर, अब आप यहाँ हैं, हाउ वुड यू लाइक टू बी वेलकम्ड, हाउ वुड यू लाइक टू बी वेलकम्ड, आप कैसा स्वागत पसंद करेंगे, एक प्रिय मित्र की तरह, लाइक अ डियर फ्रेंड, लाइक अ डियर फ्रेंड, एक प्रिय मित्र की तरह, मेरे पास आपके लिए एक नायाब तोहफा है, ये बोल रहे हैं आई हैव गॉट यू अ प्रीसियस गिफ्ट, आई हैव गॉट यू अ प्रीसियस गिफ्ट, मेरे पास आपके लिए एक नायाब तोहफा है, आई हैव गॉट यू अ प्रीसियस गिफ्ट, आप एक दोस्त को एक तलवार तोहफे में दे रहे हैं, यू आर गिफ्टिंग अ स्वॉर्ड टू अ फ्रेंड, यू आर गिफ्टिंग अ स्वॉर्ड टू अ फ्रेंड, आप एक दोस्त को एक तलवार तोहफे में दे रहे हैं, यू आर गिफ्टिंग अ स्वॉर्ड टू अ फ्रेंड, यह आपकी शर्तों में से एक था, है ना, इट वॉज वन ऑफ योर कंडीशंस वॉजंट इट, ये बोल रहे हैं इट वॉज वन ऑफ योर कंडीशन वॉजंट इट, यह आपकी शर्तों में से एक था, है ना, अकेला और निहत्था आऊँ, टू कम अलोन एंड अनआर्म्ड, टू कम अलोन एंड अनआर्म्ड, अकेला और निहत्था आऊँ, लो अब मैं निहत्था हूँ, हियर नाउ आई एम अनआर्म्ड, हियर लो नाउ आई एम अनआर्म्ड, अब मैं निहत्था हूँ, मैंने सुना है वह बहुत खूबसूरत है, यहाँ पर पद्मावत के बारे में बात हो रही है लेकिन फिर बात को बदल देते हैं, बोल रहे हैं आई हैव हर्ड इट्स वेरी ब्यूटीफुल, आई हैव हर्ड इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बोल रहे हैं मैंने सुना है बहुत खूबसूरत है, आई हैव हर्ड इट्स वेरी ब्यूटीफुल, चित्तौड़ का किला, द फोर्ट ऑफ चित्तौड़, द फोर्ट ऑफ चित्तौड़, चित्तौड़ का किला, भगवान ने सच में राजपूतों को प्रचुरता में आशीर्वाद दिया है, प्रचुरता मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ये बोल रहे हैं गॉड हैज ट्रूली ब्लेस्ड राजपूत विद अबेंडेंस, गॉड हैज ट्रूली ब्लेस्ड राजपूत विद अबेंडेंस, भगवान ने सच में राजपूतों को प्रचुरता में आशीर्वाद दिया है। तो फिर शाहिद कपूर बोलते हैं और एक अदिति दुश्मन भी, एंड एन अनमैच्ड एनिमी टू, अनमैच्ड मतलब होता है अदिति, जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, एंड एन अनमैच्ड एनिमी टू, और एक अदिति दुश्मन भी, यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है और एक अदिति दुश्मन भी, एंड एन अनमैच्ड एनिमी टू, आप भी किसी से बोल सकते हैं कि तुम्हारे जैसा अनमैच्ड यानी अदिति दोस्त मुझे दिया है, आप उसके लिए अनमैच्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस ऐसे जो कि आपके लिए यूज़फुल होने वाले हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है जो सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं ये सारे ही बहुत ज़्यादा यूज़फुल आपके लिए होने वाले हैं। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे शुरू से फ़ायदा उठा सकें। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।